जय हिंद दोस्तों, रामानुजन एकेडमी में आपका स्वागत है। जय हिंद दोस्तों, रामानुजन एकेडमी में आपका स्वागत है। चलिए, आज है 30 अगस्त 2022 और करेंट अफेयर्स का क्लास आपके सामने लेकर आए हैं। क्लास कुछ इस प्रकार है। पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया गया है? तो राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया गया है। कब मनाया गया है? 29 अगस्त को। ये जो मनाया जाता है, ये मेजर ध्यानचंद जी के जन्मदिन पर मनाया जाता है, ठीक है, जिन्हें हॉकी का जादूगर कहा जाता है। इनका जन्म 29 अगस्त 1905 को हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरोपीय फुटबॉल महासंघ की सर्वश्रेष्ठ फुटबॉल खिलाड़ी ऑफ द ईयर 2022 का पुरस्कार किसने जीता है? तो किसने जीता है? करीम बेंजेमा एंड एलेक्सिया पुटेलस ने जीता है। किसने जीता है? करीम बेंजेमा एंड एलेक्सिया पुटेलस ने जीता है। करीम बेंजेमा जो है सो फ्रांस के हैं। तो फ्रांस की बात करें तो फ्रांस का जो कैपिटल है पेरिस है, वहाँ की करेंसी यूरो है, वहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं इमैनुअल मैक्रोन है। ओके, स्पेन की बात करें तो जो एलेक्सिया पुटेलस जो है स्पेन से हैं, तो स्पेन की बात करें तो वहाँ कैपिटल है मैड्रिड, यूरो वहाँ सॉरी करेंसी वहाँ का यूरो है, प्राइम मिनिस्टर वहाँ के पेड्रो सैंजेज हैं। कौन है? पेड्रो सैंजेज। जूता और चमड़ा उत्पाद नीति 2022 लॉन्च करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? कौन बना है? तमिलनाडु बना है, ठीक है। अब बात तमिलनाडु करें तो तमिलनाडु की कैपिटल है चेन्नई, और चेन्नई वहाँ के गवर्नर है आर एन रवि, वहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं एम के स्टालिन। ओके, फार्मूला वन ग्रांड प्रिक्स अवार्ड किसने जीता है? तो किसने जीता है? मैक्स वर्स्टप्पन ने जीता है। किसने जीता है? मैक्स वर्स्टप्पन ने। किसे सेबी के पूर्वकालीन सदस्य के रूप में चुना गया है? तो किसे चुना गया है? अनंत नारायण गोपाल कृष्णा को चुना गया। तो सेबी का फुल फॉर्म क्या होता है? सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया होता है, ठीक है। आगे आइए, गृह मंत्री अमित शाह ने कहाँ राष्ट्रीय फोरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी के पहले दीक्षांत समारोह में भाग लिया है? तो कहाँ लिया है? गांधीनगर में लिया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़िए। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे सफल तेज गेंदबाज कौन बने हैं? जेम्स एंडरसन बने हैं, ठीक है, जो अभी ये टोटल 950 विकेट ले लिए हैं और इनको पीछे छोड़ दिए हैं ग्लेन मैकग्रा जो कि ऑस्ट्रेलिया के, उनको पीछे छोड़ दिए जो कि 949 विकेट लिए हुए थे। ओके, आगे आइए, अगला क्वेश्चन हम लोग का है, हाल ही में भारत और अमेरिका के बीच संयुक्त अभ्यास वज्र प्रहार कहाँ संपन्न हुआ है? तो कहाँ संपन्न हुआ है? हिमाचल प्रदेश में संपन्न हुआ है, ठीक है। अच्छा, हिमाचल प्रदेश की बात करें तो हिमाचल प्रदेश का जो कैपिटल है शिमला है, समर में शिमला हो जाता है और विंटर में धर्मशाला हो जाता है। वहाँ के जो चीफ मिनिस्टर है जयराम ठाकुर जी हैं, ठीक है, वहाँ के गवर्नर गुरमीत सिंह जी हैं। और बात करें भारत और अमेरिका के बीच में जो चार अभ्यास होता है, जैसे पहला होता है युद्ध अभ्यास, कोप इंडिया, टाइगर ट्रंप एंड वज्र प्रहार अभ्यास होता है, ठीक है। हाल ही में भारतीय ओलंपिक संघ के अंतरिम अध्यक्ष के रूप में किसने पदभार संभाला है? तो किसने संभाला है? आदिल सुमरीवाला ने संभाला है, ठीक है। अब बात करें आईओसी का, तो आईओसी का फुल फॉर्म क्या होता है? इंडियन ओलंपिक कमेटी होता है, ठीक है। ये स्टार्ट हुआ था 1927 में स्टार्ट हुआ था, इसका जो हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में हेडक्वार्टर है, बस आपको इतना थोड़ा सा ध्यान रखना है। भारतीय जूडो खिलाड़ी लिंथोई चमनम, कौन है? लिंथोई चमनम ने कैरेट विश्व चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक जीता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, हाल ही में किस राज्य को 100 साल के बाद दूसरा रेलवे स्टेशन मिला है? तो किस राज्य को मिला है? नागालैंड को मिला है। अब बात नागालैंड करें, जैसे कि पहला स्टेशन इनका जो है दीमापुर में मिला था, वो भी 1903 में मिला था, तो 100 साल से ऊपर हो ही गया, तो दूसरा 2022 में मिला है, ठीक है। नागालैंड की बात करें तो नागालैंड का कैपिटल क्या है? नागालैंड का कैपिटल है कोहिमा। वहाँ के जो चीफ मिनिस्टर नेफिरू हैं, वहाँ के गवर्नर जो हैं जगदीश मुखी हैं। ओके, हाल ही में T20 में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले भारतीय खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो कौन बन गए? रोहित शर्मा बन गए, ठीक है। तो अब बात करें रोहित शर्मा की, तो जैसे कि रोहित शर्मा ने किनको पीछे छोड़ दिया है? तो रोहित शर्मा ने मार्टिन गुप्तिल को छोड़ दिया, जो कि न्यूजीलैंड के प्लेयर हैं, जो कि 3497 रन बनाए हुए थे, और रोहित शर्मा ने 3499 रन बना करके उनको पीछे छोड़ दिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, किस देश ने दो रेलवे परियोजना के लिए भारत के साथ एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किया है? किसने किया है? बांग्लादेश ने किया है। तो जो पहला प्रोजेक्ट है खुलना दर्शन के बीच प्रोजेक्ट ब्रॉडगेज होगी बनेगी, ठीक है। सेकेंड जो प्रोजेक्ट है पर्वतीपुर एंड कोनिया के बीच जो मीटर गेज अब डबल गेज में कन्वर्ट हो जाएगी। ओके, तो पहले आपको ये समझ में आना जरूरी है कि मीटर गेज अब ब्रॉड गेज क्या होता है। तो पहले आइए, तो पहले क्या होता था कि ट्रेन का जो पटरी होता था छोटा होता, तो एक मीटर जैसे कि होता था उसके बीच में डिस्टेंस, ये दोनों के बीच में डिस्टेंस एक मीटर होता, उसको बोलते थे मीटर गेज। लेकिन अब जो है सो 1.6 मीटर हो गया है, तो उसको बोलते हैं ब्रॉड गेज। ओके, आगे बढ़िए, भारत एंड बांग्लादेश के बीच मिताली मैत्री एंड बंधन एक्सप्रेस ट्रेन चलती है, जो कि तीन ट्रेन चलती है। कौन कौन चलती है? मिताली मैत्री एंड बंधन एक्सप्रेस चलती है, ठीक है।
आ गया ये। अगला क्वेश्चन क्या है हम लोग का, टाटा पावर दिल्ली डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड ने किसके साथ समझौता किया है, तो किसके साथ किया है, ब्लॉक नोट्स के साथ समझौता किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति आयोग ने कहाँ 500 अटल टैंकरिंग लैब स्थापित करने की घोषणा की है, तो कहाँ की है, जम्मू कश्मीर की में की है। अब बात करें जम्मू कश्मीर की, तो जम्मू कश्मीर का जो कैपिटल है श्रीनगर है, समर में श्रीनगर हो जाता है और विंटर में जम्मू हो जाता है। ठीक है, वहाँ का जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है मनोज सिन्हा जी हैं। अब बात करें नीति आयोग की, तो नीति आयोग में थोड़ा जान लेते हैं, जो स्टार्ट हुआ था नीति आयोग से पहले इसका ये नाम योजना आयोग था। ठीक है, उससे पहले बात करें स्टार्ट हुआ था 1 जनवरी 2015 को, इसके जो हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में स्थापित है। ओके, इनके जो अध्यक्ष है भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, उपाध्यक्ष सुमन बेड़ी जी हैं, और यहाँ के जो CEO है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर परमेश्वरन अय्यर जी हैं। ठीक है, आज का वीडियो यहीं था, धन्यवाद। बताइएगा आपको वीडियो कैसा लगा और कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू।